और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर बात करने के लिए इलेक्शन अधिवेशन में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवामी इत्तेहादी पार्टी के चीफ इंजीनियर रशीद। इंजीनियर रशीद ने लोकसभा 2024 चुनाव में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था और इस बार जम्मू कश्मीर की कई सीटों पर इंजीनियर रशीद के समर्थक मैदान में हैं। इंजीनियर रशीद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको अंतरिम जमानत मिली है 2 अक्टूबर तक, लेकिन आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि आप पर इतनी मेहरबानी क्यों? मुझे आप ये बताइए, इलेक्शन तो मैं जीता बारामूला से, जेल में रह के उम्र 2.5 लाख वोट से हार गए। अब मुझे बताइए, जीतने वाला हारने वाले के वोट काटेगा या जो 2.25 लाख वोट से हार गया वो वोट काटेगा? ये तो अफसोस की बात है। पीडीपी को टोटल 2500 वोट मिले, मुझे 5 लाख वोट मिले। आप बताइए वोट कौन काट रहा है? मैं काट रहा हूँ, वो काट रहा हूँ, उनको शर्म आनी चाहिए। और इसमें लॉजिक ही कोई नहीं बनता। इलेक्शन मैं जीत गया और वोट कटर मैं हूँ, ये कैसे हो सकता है? वो लोगों को, लोग उनको रिजेक्ट कर चुके हैं, उनके पास अब कोई दलील नहीं है। आप इस वक्त भी साउथ कश्मीर में देखें, सारी कश्मीरी कौम सड़कों पर अवामी इत्तेहादी पार्टी के साथ निकली है। आपने कल कुकरनाग में देखा होगा, इस वक्त दिलसर में हमें यहाँ पर हर जगह महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया। महबूबा मुफ्ती तो सीधे शब्दों में कह चुकी है कि आप बीजेपी की भी टीम है। ये तो दुनिया को 5.5 साल जो जेल में रहेगा वो बीजेपी का भी टीम हो सकता है? उनको शर्म आनी चाहिए। बीजेपी तो उनके रिश्तेदार हैं, उमर अब्दुल्ला तो उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उसका बाप ही था। जब वो रेजोल्यूशन अटॉर्नी जी लाए तो उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन उमर साहब ने इस्तीफा भी तब नहीं दिया, उनके बाप ने, या उसके बाद सब मैडम का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो लॉन्चिंग पैड भी नहीं बीजेपी के लिए। सारी तबाही की जड़ वो है, ये इल्जाम तो खुद कर रहे हैं। ये कहते हैं ना, वो कार्य बात खुद करे लानत करे शैतान पर, ये तो खुद कश्मीर को डुबा दिया और इनको शर्म नहीं आती। ये SKICC में 5.5 साल मजे लूटे रहे और इंजीनियर रशीद मरता रहा। इंजीनियर रशीद, आप आरोपों से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला जिनको आपने हराया था 2 लाख से ज्यादा मतों से, वो कह रहे हैं कि उन्हें बारामूला की जनता पर अफसोस है, क्योंकि आप तो वोट लेने के लिए आए हैं, इसके बाद तो सीधे आप जेल चले जाएंगे, प्रतिनिधि तो वहां पर रहेगा नहीं। ओ, कमाल की बात है। इसका मतलब कश्मीरी अपने आत्मसम्मान पर सेल्फ रेस्पेक्ट कम्प्रोमाइज करें। उमर अब्दुल्ला को यह बताए कश्मीरी को, अगर इंजीनियर रशीद 100 साल भी जेल में रहे लेकिन उन्हें तस्लीम है वो, लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते भी, आप उसे यह कह सकते हैं। इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए, उमर अब्दुल्ला ओनली एम इज पावर, पावर एंड पावर। साउथ कश्मीर, जनूबी कश्मीर, जहाँ से मैं एमपी बना, लोगों को पहले ही पता था मैं जेल में हूँ। उसके साफ लोगों को समझ आया, वो अपनी कब्र खोद रहा है ये बातें करके, वो दिखा रहा है कि उसके वजह से पावर और पावर और बाकी कुछ नहीं। थैंक यू। इंजीनियर रशीद, आखिरी सवाल मेरा आपसे, उसके बाद आप जा सकते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि कई सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आपके समर्थक है, अगर आपकी पार्टी सरकार बनाने की भूमिका में आती है तो किसके साथ आप जाएंगे? आप ये चीज ध्यान में रखें, अगर मैं वापस तिहार जेल गया, वैसे उम्मीद है कि मेरी बेल भी लगी है पक्की बेल, तो नई सरकार से तिहार जेल से बनेगी। जी, दोबारा आप अपनी बात दोहरा सकते हैं? मैंने कहा अगर मेरी जमानत पक्की हो गई 5 तारीख को, मुझे पूरी उम्मीद है मुझे आराम से इंसाफ मिलेगा, और अगर खुदा बचाए कुछ देर के लिए ना भी मिलती है तो मुझे उम्मीद है कि नई सरकार हम बनाएंगे और उसका फैसला फिर तिहार जेल से इंजीनियर रशीद करेगा। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती नहीं करेंगे, जो बीजेपी के एजेंट हैं जिन्होंने कश्मीरियों और कश्मीर को जलील किया। ठीक है इंजीनियर रशीद, जो आप दावे कर रहे हैं नतीजों के दिन तस्वीर साफ हो जाएगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।